एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पतंजलि ग्लोई गणपति का फुल एंड ऑनेस्ट रिव्यू। मैं विदाउट टाइम वेस्ट के मैं वीडियो शुरू करना चाहती हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका प्रयोग कब कब और कैसे कैसे करना चाहिए। जब भी आपको वात रोग हो तो इसे घी के साथ लें, ठीक है। पित्त रोग हो तो आप इसे शक्कर या गुड़ या चीनी के साथ लें। कफ रोग हो तो आप इसे शहद के साथ लें। अगर आपके नेत्रों से संबंधित कोई बीमारी है तो वहाँ पे आप इसे आंवले के रस के साथ लें तो आपको ज़्यादा असर दिखेगा। साथ में साथ आपको अगर आंवत है तो आप इसे सोड के साथ ले सकते हैं। बाकी अगर आपको प्लेटलेट्स की कमी है इसे आप एलोवेरा के जल के साथ लें। और अगर आपको स्वाइन फ्लू हो गया है तो आप इसे तुलसी के रस साथ लें, तो यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो अभी मैं इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो ग्लोई गणपति को लेना बहुत ही ईजी है। बाकी इसमें ग्लोई के गुण हैं, यह यकृत की रक्षा करती है, इस यह इम्यूनिटी को बढ़ाती है, यह रक्त में शर्करा के स्तर को कम करती है, यह बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन के कारण तथा अन्य कारणों से जो होने वाले बुखार होते हैं उनमें बहुत ही प्रभावशाली है। यह बार बार आने वाले पुराने या निश्चित समय पर आने वाले बुखार को नष्ट करने की दावा करती है और यह बुखार में लीवर की रक्षा करती है। साथ ही साथ ये शरीर में सूजन को भी ये कम करती है और साथ ही साथ यह शरीर में विषैले पदार्थों को नष्ट करती है जिसमें होता है, ठीक है। तो इसका यूजेस पुराना बुखार में होता है, बार बार निश्चित समय पर आने वाला बुखार, मच्छर जनित बुखार जैसे डेंगू, चिकनगुनिया या फिर मलेरिया, और साथ ही साथ स्वाइन फ्लू और हाथ पैर में जलन। तो आप इन चीज़ों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसका डोज बताऊंगी कैसे किस किस मात्रा में लेना चाहिए। व्यक्ति ग्लोई गणपति की एक से दो गोली दिन में दो बार अथवा तीन बार लें। 5 से 12 वर्ष के बच्चे को आधा गोली दी जा सकती है, ठीक है। बहुत छोटे बच्चों को बिना डॉक्टर के परमिशन के ना लें। इसमें शहद पानी के साथ लें, इसे शहद पानी के साथ लें, इसे खाली पेट लें, ठीक है। ये दवा को ऑनलाइन भी आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद सकते हैं, अमेजोन पे भी मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक इसका दे दूँगी। अभी आपके साइड इफ़ेक्ट्स और सावधानियाँ का, जब इससे अगर आप लेते हो तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को कम करती है, इसलिए डायबिटीज़ में लेते समय शर्करा स्तर को सक्षर जाँच करवाते रहें। बाकी सर्जरी से 2 सप्ताह पहले ग्लोई का सेवन ना करें। गर्भावस्था में भी किसी भी हर्बल दवा का सेवन बिना डॉक्टर की परमिशन के ना करें। यदि आपको ताज़ा ग्लोई उपलब्ध हो जाती है तो उसे काढ़ा बनाकर ही पिए। इसका प्राइस है 100 रुपये और ये 500 ग्राम की है और इसकी नेट क्वांटिटी है 60 टैबलेट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।